दोस्तों स्वागत है आपका कार्गिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज अपन बात करेंगे यूजीसी की रिपोर्ट्स के बारे में। हालांकि ये रिपोर्ट्स की बात करें तो दो कमेटियों में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। उन दोनों कमेटियों की डिस्कस जो है, दोनों कमेटियों की जो मेन पॉइंट्स है बच्चों के फेवर में, उनकी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। जानेंगे यूजी पीजी के बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट करने का प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहने वाला है, और विद्यार्थियों के समक्ष ये रिपोर्ट्स किस प्रकार से फेवर रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में भी अपन जानेंगे, और विभिन्न प्रकार के सेमेस्टर के प्रमोट्स जो हैं वो भी अपन जानेंगे। एक्स हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज़ में। और ये भी जानेंगे ये जो डिस्कस है ये कंप्लीट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर आपकी ओपन यूनिवर्सिटी, सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी पे रहने वाली है। तो आप निश्चित रहिए, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, ऑल सेंट्रलाइज ये यूजीसी रिपोर्ट है जो सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगी। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। दोस्तों जैसा कि आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो न्यूज़ है ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, जिससे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन था कि सर यूजीसी की रिपोर्ट्स था वो किस प्रकार से यहाँ पे विद्यार्थियों के फेवर में रहने वाली है। क्या यूजीसी रिपोर्ट्स में उन विद्यार्थियों का भी सोचा जाएगा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, या फिर फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में थे, यानी सेमेस्टर में थे, क्या उनके बारे में भी यहाँ पे प्रमोट का कुछ विधान रखा गया है? और जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है, क्या उनके एग्जामिनेशन होने हैं या फिर उनको भी प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा? तो किस बेसिस पे यूजीसी की रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है, और किस प्रकार से यूजीसी रिपोर्ट की जो मांगे हैं वो रखी गई हैं विद्यार्थियों के समक्ष, तो वो समस्त जानकारी अपन इस वीडियोज़ में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा सोर्स है जहाँ से मैंने न्यूज़ ली है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं एबीपी लाइव, जो अभी हाल ही में मैंने 25 अप्रैल नहीं आज की दिनांक 2:20 पे मैंने न्यूज़ आपके सामने ली है, और मैं अभी आज ही के तारीख में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि सर ये न्यूज़ फैक है या फिर अथेंटिक न्यूज़ है भी नहीं है, तो आप लोग मेन वेबसाइट्स पे एबीपी की लाइव पे जाके आप लोग ये सर्च कर सकते हो और आप अच्छे से देख भी सकते हो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अपन बात करते हैं कि यूजीसी से संबंधित जो कमेटी बिठाई गई थी वो किसके रिगार्डिंग यहाँ पे थी, क्या उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिए, तो समझ जानकारी अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ यूजीसी कमेटी, अगर बात करें यूजीसी कमेटी का गठन जो है इसलिए किया गया था कि इसके अंदर जो दो पैनल थे जिसके द्वारा अलग अलग फील्ड्स में जानकारी कलेक्ट करना था। अगर पहली फील्ड की बात करूँ तो इसकी जो थी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन परीक्षा को लेके और बच्चों को प्रमोट करने के बाबत में थी, और ऑनलाइन परीक्षा करवाने के बाबत में थी। सेकंड रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एकेडमिक सत्र स्टार्ट करने के बाबत में थी। आप लोग देख सकते हो दोनों समितियाँ मैंने यहाँ पे डिस्कस भी की है, अलग अलग रिपोर्ट यूजीसी को सौंपी है। दोनों ने अभी हाल ही में यूजीसी को इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है, और यहाँ पे सितंबर में एकेडमिक सत्र भी यहाँ पे शुरू करने का आदेश यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर बात करें, आप लोग देख पा रहे हो यूजीसी कमेटी द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अगर बात करें कमेटी का, जो फर्स्ट कमेटी के द्वारा ये बोला गया था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर होंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन का शॉर्ट्स क्या होगा, किस प्रकार से यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, समझ जानकारी आप लोग इस वीडियोज़ में देख सकते हो। अगर बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ दिन पूर्व दो समितियों का यहाँ पे गठन किया गया था, अगर बात करें उन दोनों की समितियों की सुझाव जो हैं, रिपोर्ट जो हैं, जो फाइनल रिपोर्ट जो हैं, वो अभी हाल ही में यानी शुक्रवार के दिन यूजीसी को यहाँ पे सौंप दी गई हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, तो यहाँ पे समितियों द्वारा विचार किए गए बिंदु, यानी इन जो समितियों को किस बाबत में यहाँ पे इन्होंने विचार किया है वो भी अपन जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने इस बाबत में सोचा कि वार्षिक परीक्षा यहाँ पे हो सकती है, करवाई जानी चाहिए या फिर नहीं करवाई जानी चाहिए। दूसरे शॉर्ट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा का यहाँ पे पैटर्न होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे। क्या ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे हो सकती है, संभव है क्या, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ही और भी जो सेमेस्टर हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, क्या ये चीज़ संभव है क्या ऑनलाइन परीक्षा। दूसरी बात करते हैं एकेडमिक सेशन 2020 के बारे में यहाँ पे थी कि एकेडमिक ईयर जो है, सेशन जो है वो टाइम पे यहाँ पे निर्धारित समय पे यहाँ पे शुरू होना चाहिए। ऑनलाइन कक्षाओं को संचालन सहित और ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी यहाँ पे किया जाने चाहिए। आपको पता है कोरोना महामारी के चलते हुए यहाँ पे किसी प्रकार की कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर नहीं लग पा रही, तो उसका समाधान के लिए वो टीचर जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अपने घर पे या फिर किसी ऑफिस में लेके यहाँ पे उन बच्चों को एजुकेशन दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी इस रिपोर्ट को मानव संसाधन मंत्री, अगर बात करूँ एमएचआरडी मिनिस्ट्री, अगर बात करूँ हायर एजुकेशन की, तो ये एमएचआरडी से ही अपना होल्ड किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है, उसके समक्ष यहाँ पे रखेगा। उसके बाद में एमएचआरडी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, यानी जो एमएचआरडी दिशा निर्देश यानी गाइडेंस देगा उसके अनुसार ही यूजीसी
भी यहाँ पे कॉलेज और विश्वविद्यालय में जारी यहाँ पे गाइडलाइन करेगा, इसके अलावा यहाँ पे जारी नहीं कर सकता। हालांकि अभी यूजीसी को ही यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो एमएसआरडी मिनिस्ट्री को है वहाँ पे रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की गई है। यूजीसी की समिति की रिपोर्ट में क्या है, हालांकि अगर अपन बात करें तो ये यूजीसी ने रिपोर्ट बनाई है, यानी यहाँ पे जो दो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट्स में ऐसा क्या चीज़ है जो अपन को पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन मैं आपको लेकर चलता हूँ, समिति का सुझाव ये था कि वह यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जब देश में हालात सुधर नहीं जाते तब तक किसी भी कीमत पर छात्रों को पढ़ने के लिए कक्षाओं में बुलाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के बीच में छात्रों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना एक समस्या भरा कदम हो सकता है। तो ये अपने पास में थी कमेटी का सबसे पहला डिसीजन। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप लोग देखें, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों ने समिति में यह सुझाव भी दिया कि जिन शहरों और जिन जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज यहाँ पे नहीं है तो वो छात्रों को लॉकडाउन समाप्ति होने के पश्चात आगामी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु छूट प्रदान कर सकता है और अगले सत्र में प्रवेश हेतु उनकी तैयारी भी यहाँ पे करवा सकता है। यानी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन एरियाज़ में अगर कोरोना वायरस के कोई अफेक्टेड केसेस नहीं है तो वहाँ पे ये रेगुलेट यहाँ पे की जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा करवाने के परिक्षेप में, क्योंकि ऑनलाइन अभी इन्होंने रिपोर्ट में ये भी रखा था कि ऑनलाइन उनके एग्ज़ाम्स भी करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये ऑनलाइन जो परीक्षा है वो करवाना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन एक प्रिफ्रेंशियल सेटअप नहीं होता, हर के पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता, हर के पास में कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता, तो वो एक अनऑफिशियली एक अथोराइज हो सकता है ये चीज़। तो इसलिए यह संभव नहीं है कि सभी के पास में ऐसे संसाधन उपलब्ध हो जिससे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली यहाँ पे दे सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी रिपोर्ट। तो समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर बात करूँ पीजी और यूजी की या फिर यूजी या पीजी की, जैसे आप लोग समझ सकते हो, पहले एक दूसरे के वर्ष में थे ग्रेजुएट के पहले तथा दूसरे वर्ष में, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, उन्हें पिछले सेमेस्टर के आधार पर पदोन्नति करने के लिए एकेडमिक काउंसलिंग में एक प्रस्ताव यहाँ पे पास भी किया गया। यानी जो यूजी के अंदर या फिर पीजी के अंदर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे या सेमेस्टर में थे, उनके पिछले सेमेस्टर के आधार पे यहाँ पे उनको प्रमोट करने की बात यहाँ पे इस कमेटी के द्वारा रखी गई है। तो आप लोग भी जो यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सतर्क रहिए कि आपको जो प्रमोट किया जाएगा वो पिछले आपके रिकॉर्ड्स, यानी सेमेस्टर या फिर आपके कॉलेज एग्जामिनेशन जो शेड्यूल आपका रिकॉर्ड्स रहा है उसके बेस पर आपको यहाँ पर प्रमोट करना है। समितियों ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में भी यहाँ पे सुझाव दिया और 2020 और 21 से यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लगाने के भी यहाँ पे सुझाव दिए। और छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पे सैटरडे को भी यहाँ पे और संडे को भी जितना हो सके यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं डाली जाएंगी और यहाँ पे रेगुलर इस सेशन को चलाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये अपने पास में थी कुछ यूजीसी से संबंधित जो कमेटी इन्होंने गठित की थी, उन कमेटियों के डिसीजन किस प्रकार से यहाँ पे कमेटियों के द्वारा डिसीजन लिया गया और किस प्रकार से कमेटियों के डिसीजन यहाँ पे यूजीसी को सौंपे गए। हालांकि अभी यूजीसी की रिपोर्ट एमएसआरडी मिनिस्ट्री के पास में आ जाना अभी पेंडिंग है, वो जैसे ही रिपोर्ट यहाँ पे भेजेगा उसके अकॉर्डिंग ये सभी कॉलेजेस या सभी यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूँ काफ़ी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम था जो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि क्या सर ये सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगा। बिल्कुल ये सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगा, क्योंकि यूजीसी जो होती है सभी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो सभी पे यहाँ पे कॉलेज यूजी पीजी जो भी हैं आपके सभी को ये सर्कुलेट करता है, तो सभी पे समान वे से आपका लागू होगा। दूसरा बच्चों का कन्फ्यूजन ये था कि सर ये जो यूजी के अंदर जो एक्स वाले स्टूडेंट्स थे या फिर बैक वाले सेमेस्टर के जो बैक्स कुछ पेपर रह गए थे तो उनको किस प्रकार से यहाँ पे पास करेंगे, तो मैं आपको बता दूं वो जो स्टूडेंट्स बैक्स वाले हैं तो उनको यहाँ पे किसी प्रकार का पास करने का विधान नहीं रखा गया, किसी प्रकार का प्रमोट करने का भी विधान यहाँ पे नहीं रखा गया है। हालांकि जैसे रिपोर्ट्स ये में और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है तो हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फ्रेशर हैं और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, उनको ही यहाँ पे पिछले सेमेस्टर के बेस्ट पे इनको यहाँ पे प्रमोट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर एक्स वाला भी यहाँ पे अभी 99% तो माना जा रहा है कि एक्स वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है तो मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा ये बात। तीसरा ये कमेंट था काफ़ी स्टूडेंट्स का, मेरे कमेंट मैंने जैसे कमेंट बॉक्स पढ़ा तो उसमें ये कन्फ्यूजन था कि सर ये क्या सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगा। बिल्कुल ये सभी यूनिवर्सिटी पे ही अप्लाई होगा, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो। तीसरा नेक्स्ट अपने पास कमेंट ये था कि क्या सर ये प्राइवेट या फिर इग्नू या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी, तो क्या सभी उन्हीं पे भी ये लागू होगा। बिल्कुल सभी ओपन हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपके गवर्नमेंट हो, सभी यूनिवर्सिटी पे समान वे से ये जो नोटिस है ये लागू होने वाला है। नेक्स्ट कमेंट ये था कि
क्या ये जो प्रमोट की प्रक्रिया है, जो बच्चों को प्रमोट करेंगे तो ये किस आधार पे ये लोग करेंगे? तो मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस कर दिया कि ये जो पिछले सेमेस्टर में आपके जैसा रिकॉर्ड रहा है उसके +10% आपके परसेंट्स जोड़ के आपका नेक्स्ट क्लास में ही आपको प्रमोट करेंगे। जैसे आपके 60% है तो उसमें 10% जोड़ के 70% के हिसाब से यहाँ पे उनको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। अगला कन्फ्यूजन ये था बच्चों का कि सर जैसे अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस को चलते हुए काफ़ी स्टेट्स में नहीं है, तो क्या उनके भी ये सर्कुलेटरी जारी जो है यूजीसी रिपोर्ट अप्लाई होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो 70 जो हैं, हालांकि वहाँ प्रमोट करने का विधान तो है, लेकिन वो कॉलेज में जाके अपने ऑफिशियली क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए ये रिलैक्सेशन रखा गया है। तो ये अपने पास में थी डिस्कस, यूजीसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें।